नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में। इस इलाके में म्यांमार से आए हुए बहुत सारे रोहिंग्या रेफ्यूजीज रहते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों इन लोगों को अपना देश छोड़कर भारत में आना पड़ा और इन्होंने भारत में आना ही क्यों चुना, किस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं, किस तरह की मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ रहा है और क्या रोहिंग्या रेफ्यूजीज को हमें भगा देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक करीब 14,000 रजिस्टर्ड रोहिंग्या मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन एक अनुमान है कि ये संख्या लगभग 40,000 तक है। देखो, 18 साल, 12 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 70, 80, 50 साल जैसे लड़की को, औरत को, बुढ़े बुजुर्गों को रेप किया था, हम खुद देखा है। देखो ऐसा है, कोई नहीं चाहता अपना वतन छोड़कर और कहीं जाके रिफ्यूजी बनने के लिए, कोई नहीं चाहते, ये मजबूरी है। हम तो, हमारा दादा परदादा सब वहाँ का है। हमारा जब सिटीजन छीन लिया गया, इसके बाद जब वहाँ पे मिलिट्री कानून आ गया, तब मिलिट्री ने वहाँ का जो सरकार है, सरकार ने हमारा माँ बहन के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। तो हमें खेती बाड़ी करने नहीं देते, घर से बाहर निकलने नहीं देते, तो रात को आके माँ बहन के ऊपर जुल्म करते हैं। एक गांव से दूसरा गांव में जाने नहीं देते, पूरा कैद में रखा है, ऐसा है हम लोगों को वहाँ पर। दरअसल म्यांमार में एक मूवमेंट चल रहा है जिसे कहते हैं 969। इसका लीडर है एक बौद्ध भिक्षु असीन विराथू। उसने साल 2001 से म्यांमार के मुस्लिमों के खिलाफ मूवमेंट चलाना शुरू किया। इस मूवमेंट का लक्ष्य है म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिमों को बाहर निकालना। वोट का जो अधिकार है वो हमसे छीना गया। फिर स्कूलों में हमारे पाबंदी है पढ़ने का, सरकारी नौकरी हमें नहीं मिलता और ट्रैवल करने में भी दिक्कत होता है, हमें इधर उधर से जाने में भी प्रॉब्लम होता है और शादी करने में भी पाबंदी है, बच्चे पैदा करने में पाबंदी है। तो इस तरह बहुत सारे पाबंदी जो है हमारे ऊपर लगा के रखा है। 2013-14 में फिर कत्लेआम किया उन्होंने, बुद्धिस्टों ने, फिर वहाँ से हमारी घरों से निकाल के लेडीज़ों को बलात्कार करना शुरू किया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, घरों को आग लगा रहे, हमारे पास जो सामान है वो लूटना शुरू किया। फिर वहाँ पर रह के क्या फ़ायदा, हम उधर से 2013-14 में निकल गए, यहाँ पे 8-9 साल हो गए अभी। पहले भाषणों के जरिए जहर उगला, फिर रोहिंग्याओं का हर तरह से बहिष्कार करने को कहा, पब्लिक सपोर्ट हासिल किया, सेना को मिलाया और मारना काटना, घर जलाना शुरू कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 43,000 रोहिंग्या मुस्लिमों की जान जा चुकी है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब सवाल ये है कि जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस देश में वे जाते हैं वहाँ का संसाधन रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, उससे देश पर बोझ बढ़ता है। मगर इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई, प्रयोग हुए, जिससे पता चलता है कि रिफ्यूजी दूसरे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दूसरे देश में जान बचा कर गए रिफ्यूजी पेट पालने के लिए किसी भी तरह का काम करने को तैयार होते हैं, मतलब कि लेबर फोर्स मिल जाता है, वो भी सस्ते में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के देश में क्राइसिस की वजह से पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ता है, जिससे वे कुछ ही काम करने योग्य होते हैं, बहुत बढ़िया नौकरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन शरणार्थियों की योग्यता लायक काम देकर हम अपनी इकोनॉमी मजबूत कर सकते हैं और कई देश कर भी रहे हैं, इसलिए शरणार्थियों को बोझ की तरह देखना बंद कर देना चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या इन्हें भगा देना चाहिए। हिंदू संगठन बीजेपी के लोग इन्हें आतंकवादी कहते हैं, चोर कहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो को आप तक लाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप इन्हें और करीब से देख सकें, जान सकें, महसूस कर सकें कि ये कोई दूसरे ग्रह से आए लोग नहीं हैं, यहीं आसपास के ही देशों से आए हुए लोग हैं जो सिर्फ अपनी जान बचाने आए हैं, नहीं तो कौन रहना चाहेगा ऐसी हालत में। सरकार ये सोचते नहीं है, वो कह रहे अपना देश कब्जा करने के लिए या भारत कब्जा करने के लिए, ये सुन के हमको भी कंफ्यूज हो जाती है, दिमाग में कुछ नहीं आती ये बात सुन के। इनका भी अपना घर बार था, हमारी तरह ही देश था, जिसे कुछ नफरती लोगों ने उजाड़ दिया। जितने तरह के अत्याचार आप सोच सकते हैं, वो हर तरह का अत्याचार इनके साथ किया गया और हम लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि भगा दो इन्हें। सिर्फ 2 मिनट के लिए नफरत को किनारे रखकर सोचिए कि इनकी जगह आप होते तो, ये परिवार आपका होता तो,
तो हमारा उम्र तो ख़त्म हो गया रिफ्यू जी लाइफ में। हम चाहते हैं हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका लाइफ के लिए भविष्य के लिए क्या हो, हम यही चाहते हैं। बुलडोजर चलाए, कुछ भी करे, यहाँ से समंदर के ले जाके फेंक दे, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देखो, हम यहाँ मेहमान हैं, तो हम सरकार से गुजारिश करता हूँ मैं, हम लोगों को यहाँ पे जब तक हमारा अपना देश शांति ना हो तब तक हमें यहाँ रहने दिया जाए। हम ऐसे कोई इलीगल काम करने वाला नहीं है। इस कहानी से एक और सीख लीजिए कि देखिए किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत का नतीजा क्या होता है। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। हम यहाँ का इंडियन जो फिल्म है वो देखते थे हम वहाँ पे बर्मा में, तो वहाँ देखते थे। हमारा माँ बाप ने भी बोला था हिंदुस्तान बहुत अच्छा शांतिपूर्ण देश है, तो हम भी वो फिल्म में देखते थे यहाँ शांति है। तो देखो, बांग्लादेश छोटा सा देश है, उसमें 12-13 लाख रिफ्यूजी अभी है, वहाँ कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ आया। घर की याद आती है? घर तो याद हर सेकेंड में, हर मिनट में भी आती है। गंदा का छोड़ दो, हर सेकेंड में भी अपना देश का घर का याद आती है। हम क्या कह दी, इतना बड़ा बड़ा घर छोड़ के, इतना बड़ा बड़ा मकान छोड़ के यहाँ अपना ज़िंदगी बचाने के लिए आया, इज्जत बचाने के लिए आया, ईमान बचाने के लिए आया। यहाँ भी ऐसी हालत है। क्या ज़रूरत थी इन्हें यहाँ आकर खुद को आतंकवादी कहलवाने की? मगर वही नफरत। इसलिए कहता हूँ कि अपने देश के असीन विरासतों को रोकिए, इस देश को टूटने से बचाइए, नफरत को नकारिए, मोहब्बत कीजिए। नमस्कार।